लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस को एक बार फिर एक बड़ा झटका लगा है। बिहार कांग्रेस नेता उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस में पप्पू यादव की एंट्री को उन्होंने पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण बताया है। साथ ही उन्होंने महागठबंधन का हिस्सा नहीं होने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2004 में जब मैं कांग्रेस में था, उस समय कांग्रेस पार्टी का गठबंधन रामविलास पासवान की पार्टी से था। उस समय भी पप्पू यादव लोजपा से मिल गया था। मैं उस समय भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा, जिस समूह में पप्पू यादव रहेंगे वहां मैं नहीं रहूंगा। वहीं पप्पू यादव को समर्थन देने की बात पर उन्होंने कहा कि जिनके चरित्र पर मुझे यकीन ना हो, उसके स्वास्थ्य का मैं अच्छी कामना कर सकता हूं, लेकिन पूर्णिया का नेतृत्व करने के लिए ऐसे व्यक्ति का मुझे आशीर्वाद मिलना कठिन होगा। पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा ध्यान आगामी विधानसभा चुनाव पर रहेगा। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज अभियान को 2025 के विधानसभा चुनाव में कोसी और सीमांचल में मजबूत कर बिहार में एक मजबूत सरकार बनाएंगे। पूर्व सांसद पप्पू सिंह ने पूर्णिया स्थित अपने निज आवास प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में गिने चुने दो राष्ट्रीय दल हैं। एक कह रही है ऊपर भाग रही है तो दूसरे धीरे धीरे नीचे गिर रही है। बिहार में दोनों राष्ट्रीय दल बैसाखी पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के संबंध में सुनते हैं कि उनकी बहुत ही लोकप्रियता है, होगी भी, लेकिन बैसाखी के बिना कोई भी बिहार में नहीं है। कांग्रेस पार्टी बिहार में रहते हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन कोई भी बैसाखी के बिना खड़ा नहीं है। बैसाखी के बल पर खड़े हो मुझे क्या आपत्ति होगी। पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान तो किया। पूर्व सांसद पप्पू सिंह ने कहा कि 2019 में कांग्रेस पार्टी बिहार में 9 सीटों पर लड़ी थी। बगल में कटिहार क्षेत्र को छोड़ दें तो पूर्णिया में कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन पार्टी ने अपने बेरुखी में ऐसे कदम उठाए जिससे सब हैरान रह गए। एक मजबूत जगह को कांग्रेस ने अपने सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल को दे दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने जिसे अपना समझा उसे टिकट दे दिया। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब मैं क्षेत्र में जाता हूं तो महागठबंधन के जितने भी नेता हमसे मिलते हैं सब यही कहते हैं कि आरजेडी के बहुत बड़े परिवार में से यदि और किसी को टिकट मिलता तो ज्यादा खुशी होती। जहां एनडीए के चयन से लोगों में खुशी नहीं, दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से लोग संतुष्ट नहीं हैं। वहीं इसी मैदान में एक सज्जन यानी कि पप्पू यादव दस्तक देने की बार बार बात कह रहे हैं। ऐसे में लोगों में एक घोर निराशा है, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। पूर्व सांसद पप्पू सिंह ने कहा कि मेरे कार्यकाल में सामाजिक तनाव खत्म हो गया था, जातीय लड़ाई खत्म हो गई थी, कानून व्यवस्था बेहतर हो गई थी, लेकिन 2014 के बाद ईश्वर को जो मंजूर था वही हो गया। होते होते 2024 में जब मैं पूर्णिया आता हूँ फिर वही सुनने को मिलता है, बातें बिगड़ गई हैं। क्यों बिगड़ी हैं और कैसे बिगड़ी हैं यह हम सबको मालूम है, विस्तार से कुछ कहने की जरूरत नहीं, लेकिन इतने बड़े राजनीतिक जीवन में पिछले 2-3-4 महीने या समय मिलने सबसे कठिन रहा। रोज सैकड़ों लोगों का प्यार से मुझसे यह पूछना, मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, लड़ूंगा तो कैसे लड़ूंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।